दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आया है उनको क्या करना चाहिए, कैसा एक्शन लेना है, ठीक है। और जिन लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में कुछ पेमेंट मिल गया यानी कुछ स्कॉलरशिप मिला है, सेकंड शिफ्ट कब तक मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिन लोगों का जैसे कि सारा कुछ कंप्लीटेड है, उनका सारा कुछ वेरीफाई है लेकिन फिर भी उनका स्कॉलरशिप नहीं आया है, उनको क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक फॉर्म है जहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट है, फाइनल सबमिशन भी कम्प्लीटेड दिखा रहा है, स्टेट इंस्टीट्यूट से भी जो है फॉरवर्ड किया गया है यानी कि उनके इस कॉलेज से भी फॉरवर्ड किया गया है, बैंक भी वेरीफाई किया गया है, सारा कुछ वेरीफाई है फिर भी उनका स्कॉलरशिप नहीं आया है। करंट स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाया गया है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है। तो जिनका इस तरह से दिखा रहा है उनको क्या करना है, देखिए अभी 31 तारीख लास्ट डेट था, बहुत सारे लोग जो है वीडियो डाल रहे हैं जो कि 31 तारीख बता रहे हैं लास्ट डेट है। अब जिन लोगों की स्कॉलरशिप 31 तारीख नहीं आया है उनको अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। देखिए 31 तारीख को था रविवार, ठीक है, रविवार को कुछ लोगों का स्कॉलरशिप आया है, कुछ लोगों का पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों का प्रोसेसिंग में था उन लोगों को पेंडिंग में था, तो 1 अप्रैल को इंतजार करना, उनका 1 अप्रैल को आ जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल को अगर नहीं आता है तो आपको 2 अप्रैल तक इंतजार करने, लगभग 2 अप्रैल तो आपको इंतजार करने ही करने हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 या भी 2 अप्रैल को आपके पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि रविवार को पेमेंट कहीं जो बैंक के काम होते हैं स्लो होते हैं यानी कि बंद होते हैं कुछ बैंक, तो वहाँ पर जो सरकारी बैंक है वो काम नहीं करती हैं, इस वजह से पेमेंट नहीं आता है। लेकिन आपको 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का इंतजार कर लेना है। और जिन लोगों का जैसे कि यहाँ पर सारा कुछ देखिए कंप्लीटेड दिखा रहे हैं यानी सारा कुछ वेरीफाई है फिर भी पेमेंट नहीं आया है, तो उनको इंतजार करना है लगभग पूरे अप्रैल का, ठीक है। पूरे अप्रैल का आपको इंतजार कर लेना है, अप्रैल के बीच में आपको पेमेंट मिल जाएगा। और जिन लोगों का जैसे कि पेमेंट कुछ मिल गए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में उनको 2000-3000 या फिर ऐसे कुछ भी पेमेंट स्कॉलरशिप मिले, उनका सेकंड शिफ्ट कब तक आएगा, तो उनका सेकंड शिफ्ट है जो है जून तक, यानी कि 28 जून के अंदर अंदर आ जाएंगे, उनके सेकंड शिफ्ट का भी पेमेंट यानी कि पूरा स्कॉलरशिप उनको मिल जाएगा, इंतजार करने हैं 28 जून के अंदर अंदर सेकंड शिफ्ट का स्कॉलरशिप भी उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा डाउट्स क्लियर कर दिया है। और देखिए भाई जिन लोगों का ये नहीं आया, यहाँ पर क्या है कि आप लोग जाके इस जन कल्याण में आपको एप्लीकेशन भी डाल सकते हो, ठीक है, कंप्लेन एप्लीकेशन भी डाल सकते हो कि मेरा पेमेंट नहीं आया है, मैं इस कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, मैंने सारा कुछ हमारा कंप्लीटेड है फिर भी हमारा जो है स्कॉलरशिप नहीं मिला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख के आप जो है जन कल्याण में आपको जो है कंप्लेंट डाल देने हैं तो आपके स्कॉलरशिप आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको इंतजार करने हैं अप्रैल तक, अप्रैल के अंदर अंदर आपके इस पूरे स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, ये पूरी गारंटी है जिन लोगों के यहाँ पर सारा कुछ वेरीफाइड दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।